सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने बेरोजगारी भत्ते की राशि को जारी किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी की है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के 1,05,395 युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की राशि जारी की है। सीएम ने करीब 32,35,25,000 रुपए राशि ट्रांसफर किए हैं। तो आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी है। बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को दूसरी किस्त मिल चुकी है। बेरोजगारी भत्ते में दूसरी किस्त सीएम भूपेश बघेल ने वहां पर जारी कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगार युवाओं के लिए दूसरी किस्त बेरोजगारी भत्ता जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बेरोजगारी बड़े युवाओं को जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता दी जाती है छत्तीसगढ़ में, आज उसकी दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। बताते चले कि सीएम ने करीब 32,35,25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रजनीश जुड़ेंगे। रजनीश, सीएम ने बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त आज जारी कर दी है, युवाओं के लिए बड़ी सौगात है ये। बताना चाहूंगा कि आज बेरोजगारी भत्ता को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,05,395 बेरोजगारों को 48 करोड़ के लगभग जो है राशि प्रदान की। रजनीश, बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार युवाओं को दी जाती है, क्या कुछ इस पर कहना था युवाओं का? युवाओं का बुरा कहना यह है नंदिनी जी कि बेरोजगारी का भत्ता ना देकर जो है रोजगार के तरफ अगर ध्यान बटाया जाए तो उन्हें ज्यादा इसका महत्व और फायदा मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश। खबर रायपुर से है, जहां सियासी पारा हाई होता दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस की तुलना राक्षस से कर दी है। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस की तुलना राक्षसों से करते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस का वध तय है। तो विधानसभा में कहा था कि अरण्यकांड के चार पंक्तियां लिख देते करके, तो अरण्य कांड में दो घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नौधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारिच सुबाहु त्रिसरा कबंद विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। खबर जगदलपुर से है, जहां पर कलेक्ट्रेट विजय दयाराम ने निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट ने निर्देश जिला कार्यालय के प्रेडा सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कहा कि स्कूल जतन योजना के तहत जीर्णोद्धार कार्यों को निर्माण विभाग पूरा करे। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों की कमी पेशी को जल्द पूरा करके प्रमाण पत्र जारी करे। उन्होंने जिले में स्थापित की जा रही ग्रामीण औद्योगिक पार्क के लिए भी निर्देश दिए हैं।
महासमुंद के कसडोल ब्लॉक के बया थाना के पास आने वाले विभिन्न पंचायतों के किसानों ने थाना पहुंचकर बैंक कैशियर और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किसानों ने अपनी जमा राशि को वापस दिलाने की मांग को लेकर आवेदन भी सौंपा। पूरा मामला पंजाब नेशनल बैंक की शाखा बया का है, जहां लगभग 35 किसानों के खातों में लाखों रुपए जमा न होने की बात उजागर हुई है। हालांकि इस मामले में बैंक प्रबंधन ने 5 महीने पहले ही 22 लाख के फर्जीवाड़े मामले में कैशियर के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। कैशियर की तलाश के लिए विभाग लगा हुआ है। फर्जीवाड़ा करने वाले कैशियर को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लगभग 8-9 महीना हो गया, अपने 3 लाख रुपया जमा किया और उसको फिर निकालने कहा कर आए तो तुम्हारा तो खाते में एंट्री नहीं हुआ है, इसका बोले तो इसीलिए बैंक को आना पड़ रहा है। अभी बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले आगे बढ़ो, बिलासपुर जाओ, बड़े अपना वहाँ जाकर काम करो, शाखा वहाँ बड़े बिलासपुर चले जाओ, वहाँ हमारे से बड़े हेड है, ऐसे कह रहे वो बोल रहे हैं। अभी शिकायत इसका कहाँ कहाँ की है? शिकायत अभी कहीं नहीं की, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक बयाच में सिर्फ किए हैं। आगे क्या रणनीति, क्या करेंगे आप लोग? और क्या थाना में उसका देंगे, चौकी में उसको दर्ज कराएंगे। इंटर आया नहीं है सर के बोलते थे सर इन लोग। इतना पैसा जमा किए थे विड्रॉल भर में और पैसा निकासी के लिए, तो पैसा क्या बोल रहे हैं बैंक वाले? टोटल पैसा मेरा 13,85,000 है सर, और पैसा जब भी यहाँ निकालने के लिए आएंगे ना बोल रहे थे सर उसको, तो पैसा नहीं है, पैसा आएगा तभी तो देंगे ऐसे बोल रहे हैं सर अभी तो बैंक वाले। आपको खाते का पैसा कहाँ से आएगा? खाते का पैसा मैं खाता में जमा किया था सर, वो पैसा मेरे को चाहिए। परेशान हूँ सर, खाते में नहीं दिख रहा है सर वो पैसा, मैं बिल्कुल परेशान हूँ सर। कैसे करेंगे आप, पैसा नहीं दे रहे हैं तो इधर बसर कैसे हो रहा है? ऐसे चला रहे हैं सर, बहुत गरीबी स्थिति से अभी इधर उधर करके व्यवस्था करके। बैंक वालों को क्या कहेंगे? बैंक वाले पैसा जब तक वो फरारी आदमी मिलेगा तभी तो पैसा मिलेगा, उसको कोर्ट में ये देना पड़ेगा ऐसे बोल रहे थे सर। कितने माह हो गए? 8 माह हो गया सर। आपको पूरे परिचय बताइए। मैं ओम प्रकाश शर्मा चांदन में रहता हूं, सरस्वती शिशु मंदिर का संयोजक हूं। शर्मा जी बताएंगे क्या मामला है जो बैंक आप लोग काफी संख्या में किसान यहां पर आए हुए? देखिए भाई साहब, वैसे विषय तो ये है कि बैंक हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक बया है इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इसलिए इस क्षेत्र के छोटे छोटे किसान से लेकर लेबर क्लास के लोग भी इस बैंक में विश्वास करके अपना पैसा जमा किए, और पैसा जमा करने के बाद इस बैंक में जो भी अधिकारी रहा हो उस अधिकारी ने यहाँ के पैसे लेके चले गए। हम सारे लोग खड़े हैं, इसमें से किसी का 13 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख, आधे लोग आए भी नहीं हैं, और ये गरीब किसान हैं, एक एक अन्न का उपजा के जमा कर करके अपने भविष्य निधि के लिए इन्होंने रखा था, परंतु बैंक में आने से बैंक के जो शाखा प्रबंधक है उसके द्वारा गोलमोल जवाब बीच में क्या हुआ, वो एब्सेंट हो गया, तो बैंक के शाखा प्रबंधक वहाँ उनके घर जा करके पता किए तो पता चला कि वो बीमार है, उसकी पत्नी जो है चाबी दे दी है, पकड़ो चाबी, ऐसा करके चाबी ला करके बैंक वाले चेक किए तो उसमें 22,46,000 रुपये कम मिले। सर इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? कई किसान जो है करोड़ों के इसमें फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। आरोपी की पता साझी हम लोग हर संभव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी हम लोगों को ना पब्लिक से ना कहीं से नहीं मिल पाया है। हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी मिल जाए। महासमुंद में दबंगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया है, साथ ही रोजी रोटी से बेदखल करने की धमकी भी दे रहे हैं। दरअसल तालाब में मछली पालन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पीड़ित न्याय की गुहार लेकर थाना पिथौरा पहुंचा, लेकिन गांव की एकता के सामने पीड़ित परिवार कमजोर साबित होता नजर आ रहा है। वहीं पीड़ित का कहना है कि गांव के लोग मेरे और मेरे परिवार का हुक्का पानी बंद करके गांव से वंचित करने की बात कह रहे हैं। ये समस्या सर, मछली चोरी करत रही तो पकड़े रहे ना, तो कर दुश्मनी निकाला थे सर एमन, ये पूनाराम ध्रुव है, मोतीलाल ध्रुव है ठाकुर, सोन सिंह ध्रुव है, रत कुमार ध्रुव है, और नीलांबर पटेल है, वो पूनाराम ध्रुव के ओकर भाँचा और ओकर साढ़ो मनला।
कि तू मन हाँ एक घर के चमार और साले हमको पूरा थाना रेंगा दिया और हम लोगों को बेइज्जती कर दिया, ऐसा करके ना हमको ना इसी का दुश्मनी निकाल रहे हैं लोग। ये जो आप मन की लड़का जो बोला आना जाना बंद कर दे, गाँव वाले बहिष्कृत कर देंगे, आप मन लगी मना कर दे, क्या है पूरा मामला के साथ? मामला तो ये है, लेकिन हमको बाप बेटा को भी मना कर रहे हैं कि उनका आना जाना बंद करो, काम वोता बंद करो और बातचीत भी बंद करो, और तुम जाओगे तो हमारे बात की तरफ से छूट। जगदलपुर में राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। बता दें कि भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण के समूह में से एक है। माउस डियर विशेष रूप से घने झाड़ियों वाले नमी वाले जंगलों में होता है। माउस डियर में चूहे, सुअर और हिरण के रूप में और आकार का मिश्र दिखाई देता है और बिना सींग वाले हिरण का एकमात्र समूह है। माउस डियर शर्मीले व्यवहार के होते हैं और रात की गतिविधि के कारण इन पर विशेष रिसर्च नहीं हुआ है। गंगा दशहरा के पावन महापर्व के दिन मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। गंगा दशहरा पर जगदलपुर के प्रसिद्ध महादेव घाट में सुंदरकांड का पाठ हुआ। इसके बाद मां गंगा के मंत्रोच्चार के साथ पूजा की गई। बाद में 1100 दीपों के साथ महाआरती हुई, साथ ही विशाल महाप्रसादी भंडारे का कार्यक्रम का आयोजन चला जिसमें हिंदू समाज के जगदलपुर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। जगदलपुर में माहेश्वरी समाज के भवन में महेश नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रिखचंद्र जैन सम्मिलित हुए। इस दौरान विधायक जैन ने कहा कि बस्तर अंचल के विकास में माहेश्वरी समाज की अग्रणी भूमिका है। समाज ने सामाजिक, खेल और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे लाने की कोशिश की है। साथ ही पूर्व विधायक संतोष बापना ने भी सामाजिक जनों को संबोधित किया है। जगदलपुर के कुरंदी इलाके के ग्राम बड़ेपारा में जंगली सुअर को मारने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक का नाम पूरन भारती है और उसकी उम्र 45 साल की बताई जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।